IPv4 के साथ? नहीं, 4 में तो पढ़ने के लिए दो टॉपिक अभी कोर्स है, 4 और IPv6 है, 6 तो मैं पढ़ाऊंगा जरूर, 4 में क्या है? IPv4 में क्या है? कुछ भी नहीं, वो एड्रेस ड्रेसिंग है बस, ठीक है, सब अंडिंग वगैरह नहीं है उसमें, एड्रेस ड्रेसिंग है, मैं पढ़ लूँगा, पर तो जरूर नहीं था, तेरे से लेकर अब 6 पढ़ लो, थैंक यू, ठीक है, 6 पे कब जा रहे थे? जब तैयार आ गए थे, कब से जाएंगे 6 पे सारे? चलिए आपके जो टॉपिक है एक्टिव डायरेक्टरी डिजाइन सर्विसेज का टॉपिक, ठीक है, ये पढ़ना है, ये पढ़ने है, अगर आप कहते हैं डीएनएस पढ़ना है, डीएनएस पढ़ा दोनों पढ़ेंगे, तो जिसको पहले पढ़ो सीएस पहले पढ़ो, जी मैं सर्विस पहले पढ़ो, तो सर डीएनएस के दौरान होता है नंबर वन, डीएनएस लेंथी है, वो भी लेंथी है, बस वो पहले करते हैं, ठीक है, डीएनएस मैसेज आते हैं कि उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको पहले क्लियर हो जाती है, तेरे पे डीएनएस को मानते हो, डीएनएस में बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट थ्योरी के कॉन्सेप्ट में बहुत सारे, नॉर्मल डीएनएस को पढ़ना नहीं है, प्रॉपर डीएनएस जिसमें पढ़ा जाता है, डीएनएस जो मैंने ऑर्डर पढ़ी थी फर्स्ट में, मैंने कहा डीएनएस लेंथी होता है, उसमें कम से कम आपको 4 से 5 दिन लगेंगे, बस डीएनएस ठीक है, DNS is a domain name system ऐसे कहते हैं, पहले से domain name server भी बोलते हैं, लेकिन communication इसके domain name system पे होती है, ठीक है, इसकी जो traffic है TCP या UDP दोनों की होती है, ठीक है, उसके बाद port 53 यूज करते हैं, ठीक है, DNS की पहले थोड़ी सी history को समझ लें, मैंने उसके बाद DNS को बात बात DNS की जरूरत क्यों पेश आई, कोई आंसर दे सकता है? तो ताकि IP याद ना इसमें पड़े, तो IP को देता हूँ उनसे, तो IP याद करना मुश्किल होता है, नेम आसान होता तो नेम भी रिकॉल करने के लिए DNS होता, इसके अलावा DNS का तो मेन टॉपिक का नेम है, उसको मैं लिख रहा हूँ, तो नेम रेजोल्यूशन, नेम रेजोल्यूशन, नेम रेजोल्यूशन लिखे, नेम रेजोल्यूशन में क्या क्या चीजें बात की हैं, अगर 1970s की बात की जाए, ठीक है 1970s की, तो 1970s में DNS का कोई भी कॉन्सेप्ट इंडस्ट्री के अंदर नहीं, क्योंकि अगर तब बात करें DNS की, तो तब तो DNS से भी पहले बात की जाती है इंटरनेट, ठीक है, तो तब तो इंटरनेट का भी वजूद उस तरह एक नॉर्मली इंडस्ट्री के अंदर नहीं था, इंटरनेट सिर्फ सिर्फ अमेरिकन आर्मी जो डॉट जिसको कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, ठीक है, या बाकी चलिए अमेरिकन के कुछ NGO फास्ट तरह के वो इंटरनेट यूज करते हैं, क्योंकि इंटरनेट जो है पब्लिक तौर पर अवेलेबल नहीं था एक आम लोगों के लिए, ठीक है, इंटरनेट का जो पहला नेम, उसके पहले नेम जो इंटरनेट से पहले जो इंडस्ट्री में नेम यूज होता था उसे अगर बोलते थे आरपनेट, ठीक है, उसको लिखना था आरपनेट को लिखो, ठीक है, ये इसका ओल्ड नेम है इंटरनेट, ठीक है, कंपनी जो एक डीएनएस की सर्विस को यूज करने के लिए हमारी हेल्प करती थी, क्योंकि बात मैं कर रहा था कि पहली चीज है कि आरपनेट था, दूसरी चीज कि इंटरनेट नॉर्मल अवेलेबल है, ठीक है, तो अगर नॉर्मल अवेलेबल नहीं था तो जिनके पास इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल थी वो आपस में कम्युनिकेशन कैसे करते थे, वो आपस में कम्युनिकेशन कैसे करते थे, कौन सा ऐसा मेथड था जिससे उनकी कम्युनिकेशन होती थी, मैं हार्डवेयर मेथड पर तो नहीं आऊंगा, वो एक बात लंबी हो जाएगी, क्योंकि उसके लिए पूरा आपको ओएस मॉडल समझना पड़ता है, ठीक है, डॉट रेफरेंस मॉडल समझना पड़ता है, क्योंकि दो तरह के मॉडल आते हैं इंडस्ट्री में, ठीक है, डॉट रेफरेंस मॉडल आ रहा है, ओएस मॉडल आ रहा है, ठीक है, वो तो हार्डवेयर साइड अलग है, हम जो साइड पे कम्युनिकेशन करेंगे वो इंटरनेट साइड पे डीएनएस का सफर करता है, क्या डीएनएस नहीं था तो फिर कौन सी ऐसी चीज थी जिससे आपस में कम्युनिकेशन होती थी, अगर अमेरिकन आर्मी किसी वेबसाइट पर सर्च करती थी तो किस विभाग पर सर्च करती थी, कौन सा ऐसा मैथड, उस मैथड को जो हम बोलते थे वो मैथड था होस्ट फाइल,
होस्ट फाइल होस्ट फाइल पे चलेंगे एंट्री क्रिएट करते हैं ना नेम्स और आईपी स्ट्रीम होस्ट फाइल का मेथड था और होस्ट फाइल जो कंपनी मैनेज करती थी उस कंपनी को कहते थे इंटरनेट कंपनी इंटरनेट कंपनी इंटरनेट कंपनी डिफरेंट इंटरनेट